हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश बैकबोन के ऊपर। और आप जानते हैं कि हम फ्लेमिंगो बुक है जिसका लेसन है द लास्ट लेसन, उसके एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन कर रहे हैं और तीसरे नंबर का वीडियो है, मतलब तीसरे नंबर का एक्सट्रैक्ट है। चलिए सर शुरुआत करते हैं, क्या एक्सट्रैक्ट है? रीड द पैसेज या रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं कि माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रांस भाषा का लेसन। व्हाई आई हार्डली न्यू, मैंने तो मुश्किल से ही जाना था कि हाउ टू राइट, लिखते कैसे हैं। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैंने तो अभी तक कुछ ज्यादा सीखा ही नहीं। आई मस्ट स्टॉप, मुझे सब कुछ रोकना पड़ेगा। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, मैं मेरे लेसन्स नहीं सीखने के लिए कितना दुखी था। सीकिंग बर्ड्स एग्स, पक्षियों के अंडों को खोजना। गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, नदी के ऊपर तैरना, नदी पर फिसलना। माई बुक्स, मेरी किताबें। दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस, जो मुझे बाधा लगती थी कुछ समय पहले तक। है सो हैवी टू कैरी, भारी लगती थी कुछ समय पहले तक। मेरी ग्रामर की किताब, मेरी हिस्ट्री, इतिहास, संतों के इतिहास की किताबें, जो सब मुझे बेकार लगती थी कुछ समय पहले तक, अब वो किताबें मेरे लिए क्या है? ओल्ड फ्रेंड्स है, दैट आई कुडंट गिव अप, जिनको मैं नहीं छोड़ सकता। ए पुअर मैन, बेचारे गुरुजी। इट वॉज इन ऑनर, ये उनके सम्मान में लास्ट लेसन था। He had put on his fine Sunday clothes. गुरुजी ने fine Sunday clothes पहन रखे थे। And now I understood. अब मुझे समझ में आया कि गांव के बूढ़े लोग पीछे कुर्सियों पर रूम में क्यों बैठे हुए थे। It was because, ऐसा इसलिए था क्योंकि they were sorry, वो सब के सब दुखी थे। That they had not gone to school more. अब वो स्कूल में नहीं आ पाएंगे। It was their way. ये गांव वालों का तरीका था thanking our master, हमारे गुरुजी को thanking करने का, जो उन्होंने 40 साल फेथफुल सर्विस दी थी, जो वफादारी की सर्विस सेवाएं दी थी उनको दिखाने का। शोविंग रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री, ये उनका तरीका था देश को सम्मान देने का। और जो वो देश जो अब उनका नहीं रहा, देयर्स नो मोर, जो अब उनका नहीं रहा। ये एक्सट्रैक्ट शायद पहला एक्सट्रैक्ट था ना, उसी से रिलेटेड मिलता जुलता, आधा अधूरा उसी का ही है। चलो सर क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है, व्हाई डज फ्रेंच कॉल हिज टीचर पुअर। टीचर ने फ्रेंच ने अपने गुरुजी को पुअर क्यों कहा, बेचारा क्यों कहा? गरीबी की वजह से कहा, एटीट्यूड की वजह से कहा, कि स्वास्थ्य की वजह से कहा? नहीं सर, असहाय होने की वजह से कहा, हेल्पलेसनेस की वजह से गुरुजी को पुअर कहा। Why does the word cranky mean? Cranky का मतलब क्या है कि सर? Cranky का मतलब पीवीस, चिड़चिड़ा होता है। Cranky का मतलब आसानी से इरिटेट हो जाने वाला होता है, और Cranky का मतलब आसानी से एनोइड हो जाने वाला होता है, चिड़ जाने वाला होता है। तो सर हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज, चारों तीनों के तीनों हमारे आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर तीन, वॉट हैड बीन ए ट्रबल, क्या समस्या आई फ्रेंच फॉर ए वाइल, कुछ समय पहले तक फ्रेंच के लिए क्या चीज समस्या थी? हिज फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स समस्या थी, हिज टीचर, उसका टीचर समस्या थी, या उसकी किताबें समस्या थी, या गांव वाले समस्या थी? तो सर उसकी किताबें कुछ समय पहले तक उसको क्या लगती थी? ट्रबल लगती थी, बेकार, खराब लगती थी। और अब क्या लगती है? ओल्ड फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर चार, माई बुक्स दैट हैड सीम्ड, ये ऐसा का ऐसा एक्सट्रैक्ट में लिखा हुआ है, पैसेज में लिखा हुआ है कि माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए वाइल एगो, कुछ समय तक मुझे मेरी किताबें, यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा? तो सर यहाँ पे वर्ड आएगा न्यूनसेंस। जब आप पढ़ोगे लेसन एक्सट्रैक्ट देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है NUISANC, कुछ समय पहले तक मुझे किताबें क्या लगती थी? न्यूनसेंस लगती थी। कुछ समय पहले तक मुझे किताबें क्या लगती थी? न्यूनसेंस लगती थी। देखो आ जाएगा कहाँ पर है, My books that had seemed as a nuisance, वो किताबें जो मुझे nuisance लगती थी, आ गया ना ऐसा। चलो सर क्वेश्चन नंबर चार हमारा कंप्लीट हुआ, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पांच। हाउ मेनी ईयर्स फेथफुल सर्विस ऑफ एम हेमलवर, एम हेमल साहब ने कितने साल की सेवाएं दी थी? तो सर 40 साल गुरुजी ने सेवाएं दी थी। कितने साल सेवाएं दी थी? 40 साल। कैसा लगा ये वीडियो? अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिएगा। और ये एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन है, इसी लेवल पे पूछे जाएंगे, इसी तरीके से पूछे जाएंगे, और यही पूछे जाएंगे। विदा लेना चाहूंगा, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।